morning, students. My today's topic is institutional requirements for speech impaired children and children with learning disability and children with cerebral palsy. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन. तो फर्स्ट हमारा जो टूल है वो है हेडफोन्स. हेडफोन इज यूज्ड बाय द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन एज एन एड इन हियरिंग. हेडफोन्स वो हियरिंग एड है जो एक बच्चे को जिसे कम सुनाई पड़ता है प्रयोग कर सकता है अपने सुनने की क्षमता को और बढ़ाने के लिए. Hearing aid. These are the devices which increase the hearing sense in the disabled students. जिसको कम सुनता है या ऊंचा सुनता है ये aid उनके लिए है. इसकी सहायता से वो अपने hearing sense को control कर सकते हैं, आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं. Amplified system. Amplified system ऐसा system है जिनको सुनने की problem है उनके लिए ये आवाज़ को manage करता है, कम या ज़्यादा कर सकता है उनके अकॉर्डिंग जिनको जिसकी जैसी प्रॉब्लम है सुनने में. हेयरिंग लूप्स हेयरिंग एड के जैसे ही होते हैं. ये एक लूप्स हैं जिन्हें हम कानों में पहनते हैं. एक ऑडियो इंडक्शन लूप हैं जिससे हम साउंड को मैनेज करते हैं. जो हमने सुनना है समझना है उसे हम सुन सकते हैं. ये वायरलेस होता है और ये हम आराम से अपने कान में लगा के जो है अपनी सुनने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं. हमारा अगला है स्पीच इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जिनको बोलने में प्रॉब्लम है तो उनका है कम्युनिकेशन बोर्ड. कम्युनिकेशन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसपे जो है चिन्ह बने होते हैं, लिखे होते हैं अक्षर जो है, जिसे बच्चा देख के बार बार बोल के अपनी जो कम्युनिकेशन को अपनी स्पीच को सुधार सकता है. एक कम्युनिकेशन डिवाइस भी है जो बच्चे को बोलने में हेल्प करता है. बच्चा उसे बार बार प्ले करके सुन के अपनी जो बोलने की क्षमता है उसका विकास कर सकता है, अपने जो बोलने की क्षमता है उसको सुधार सकता है. अगला हमारे पास है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी जिन्हें सीखने में प्रॉब्लम है उनके लिए क्या है हेड गियर. हेड गियर एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बच्चा सिर में पहनता है ताकि उसके सिर को सेफ रखा जा सके, बचाया जा सके. ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एपिलेप्सी. एपिलेप्सी एक ऐसी समस्या है, दिमाग की प्रॉब्लम है जिसे हम मिर्की का दौरा भी कह सकते हैं. ये उन बच्चों के लिए है. ये बच्चे फिर हेड गियर पहन के अपने सिर को बचा सकते हैं जब उन्हें कभी ऐसे दौरे पड़ते हैं उस टाइम पे. और इससे बच्चा क्या है कि अपनी जो है इसे पहन के अपनी वो एक्टिविटीज़ कर सकता है, समाज में आराम से जो है आ जा सकता है, व्यवहार कर सकता है. उसके बाद है चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पैल्सी. ये ऐसे बच्चे हैं जिनका दिमाग जो है पूरी तरह से काम नहीं करता. उनके मस्तिष्क में कुछ समस्याएं होती हैं जिससे वो भूल जाते हैं या याद नहीं कर पाते. उन्हें याद रखने में समस्याएं आती हैं, अपने दिमाग का सही से प्रयोग नहीं कर पाते. तो उनके लिए क्या कर सकते हैं टास्क डायरी. एक ऐसी डायरी का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें बच्चे ने जो जो काम करने हैं उस काम को लिखा जा सकता है ताकि वो टाइम टाइम से इस डायरी की सहायता से अपने काम का जो है देख सके और कर सके. टाइमर, एक टाइमर फिक्स कर सकते हैं हम. डिवाइस में भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं जिससे बच्चे को अपने हर काम का टाइम याद रहे और उसे जो है उसे बार बार याद ना करवाना पड़े, वो खुद ही अपना टाइम मैनेज कर सके. अगला है मैनुअल और ऑटोमेटिक रिमाइंडर. ऐसा रिमाइंडर सेट करना चाहे वो अपने हाथ से ही कहीं पे लिख के सेट कर ले या फिर जो है जो डिवाइसेस आते हैं उनमें सेट कर ले ताकि उसे अपना काम कितने टाइम पे करना है वो बार बार रिमाइंड होता रहे. कैलेंडर्स का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें मंथ डेज और टाइम को डेट के अकॉर्डिंग जो है अपना मार्क कर ले, मेंशन कर ले. सिटिंग एड्स ऐसे बच्चों को जो है बैठने के लिए डिवाइसेस प्रोवाइड कर सकते हैं जो बच्चे को आराम से बैठने में हेल्प करें ताकि उसे बैठने के दौरान कोई समस्या ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो. मटीरियल्स फॉर सेंस मोडलिटीज, ऐसे मटीरियल्स का प्रयोग करना जो बच्चे के अंदर सेंस मोडलिटीज मतलब साउंड को, टेस्ट को, आई साइट को, स्मेल को, ऐसे सेंसेस को डेवलप करने में हेल्प करें. हम इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करें इन बच्चों को सिखाने के लिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.